हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग जानने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। एक खबर आई है, अरुणाचल प्रदेश इट वांट्स टू एंटर द सिक्स्थ शेड्यूल। तो खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है वो चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो हमारे संविधान के छठे शेड्यूल में आने की एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं। इनफैक्ट ये खबर आ चुकी है अगस्त एंड में कि वो रेजोल्यूशन पास भी कर चुके हैं। तो चलिए इस चीज पे हम लोग बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश क्यों चाहता है कि सिक्स शेड्यूल में आए, और अगर सिक्स शेड्यूल में आ जाएगा तो सिक्स शेड्यूल के क्या प्रावधान है, सिक्स शेड्यूल का क्या फायदा है, और हम लोग इसे दोनों पहलू देखेंगे कि सिक्स शेड्यूल की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द सेम नेम। यहाँ पे 7,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ पे मैं हर दिन MCQs पोस्ट कर रहा हूँ टिल द प्रीलिम्स, विच विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर CSE प्रीलिम्स 2020। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी IQ हैज ब्रॉट अ गुड न्यूज फॉर यू। वी आर स्टार्टिंग अ प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रोग्राम फॉर 2021। यू हैव EMI फैसिलिटी अवेलेबल टिल 31st August। टू डाउनलोड द ऐप गो टू गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए पहले खबर देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी की जो सरकार है अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने ये कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश को चाहते हैं कि वो छठे शेड्यूल में चला जाए हमारे संविधान के। तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोग एक रेजोल्यूशन लाएंगे। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया अगस्त 27 को रेजोल्यूशन पास भी हो चुका है। तो ये है खबर कि अरुणाचल असेंबली रेजोल्यूशन फॉर इंक्लूजन ऑफ सिक्स शेड्यूल हैज बीन पास्ड एंड दे हैव ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग देखेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री हैं बमांग फेलिक्स, उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा डिस्कशन की है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और स्टूडेंट्स ग्रुप्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश में उनके साथ, और उसके बाद उन्हें ये लगता है कि इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उन्हें ये लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को छठे शेड्यूल में आना चाहिए जो भारत के संविधान में है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, ये क्यों सिक्स शेड्यूल में आना चाहते हैं और क्या इनके पास कुछ और प्रोटेक्शन पड़े हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न हम ये पूछेंगे कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बीजेपी सरकार ने लाया था, क्या वो रेस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। सबसे पहले तो ये जवाब है नहीं। आपको याद रखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि ऑलरेडी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रावधान है उसके तहत क्या है कि जो इनर लाइन परमिट एरिया स्टेट है जहां पे आपको एंट्री के लिए एक परमिट लगता है, या फिर जो ऑलरेडी सिक्स शेड्यूल में एरियाज है, दे आर ऑलरेडी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके तहत ये जो सिक्स शेड्यूल के जो रीजन है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उसके अलावा जो इनर लाइन परमिट सिस्टम के रीजन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, दे आर ऑलरेडी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सो ये उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इंपैक्ट ये नहीं है। तो फिर क्यों चाहते हैं कि वो सिक्स शेड्यूल में आए। अरुणाचल प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन है इनर लाइन परमिट सिस्टम में, हमारे पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन है आर्टिकल 371H जो स्पेशल प्रोविजन है स्टेट्स के लिए। इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारे पास उस प्रोविजन से फुल प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि वी मे हैव आर लैंड, वी मे हैव आर एयर, वी मे हैव आर वॉटर, बट वी डू नॉट हैव द ओनरशिप बिकॉज वी आर नॉट इन द सिक्स्थ शेड्यूल। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वी वॉन्ट ग्रेटर प्रोटेक्शन अंडर सिक्स शेड्यूल टू प्रोटेक्ट आर ट्राइब्स। तो चलिए देखते हैं कि सिक्स शेड्यूल में क्या प्रोटेक्शन मिलती है राज्यों को। सबसे पहले तो सिक्स शेड्यूल में कौन आता है, सिक्स शेड्यूल में आते हैं चार स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया आपको ATM स्क्वेयर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन स्टेट्स में क्या होता है कि यहां पे कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बना गए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है यहां पे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसको याद रखें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 244 में स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि सिक्स शेड्यूल के जो एरिया से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, वहां पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी जाएंगी, वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाएंगी। उसी के साथ ही साथ एक और आर्टिकल है आर्टिकल 275, यहां पे इन सारी जगहों को स्पेशल ग्रांट्स मिलेंगी, मतलब स्पेशल पैसा मिलेगा इन जगहों के डेवलपमेंट के लिए अपने हिसाब से। तो ये जो
आर्टिकल आया था 244 और ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, ये बने थे 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी सेटअप की थी, बोर्दोलोई कमेटी, और बोर्दोलोई कमेटी ने बताया था कि ट्राइबल्स शुड डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. हमें उनको एसिमिलेट नहीं करना चाहिए अपने कल्चर में, हमें उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, और इंटीग्रेशन के लिए उन्हें अपने स्पीड से डेवलप होने दीजिए, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस देने चाहिए. तो चलिए देखते हैं क्या प्रोविजन दिए गए हैं. जो आर्टिकल 244 है, सिक्स शेड्यूल की जो डिटेल्स है, उसके अंदर जो फोर स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ताकि आपके दिमाग में ये अंकित हो जाए. तो यहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं. तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले याद रखना है कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट के बाहर नहीं है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन पे होता है. मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया गवर्नर. तो गवर्नर ऑफ दीज स्टेट्स, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दे आर एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. तो वो इन जगहों पे, इन रीजन्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं. ये काउंसिल रहेगी 30 मेंबर्स की. इन 30 मेंबर्स में चार जो है नॉमिनेटेड रहेंगे, जो गवर्नर उनको नॉमिनेट कर देगा. बाकी 26 जो रहेंगे उनको इलेक्शन किया जाएगा उनके लोकल एरिया से, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या कर सकता है? तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास बहुत सारे पावर है. बेसिकली दे हैव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरिया. तो वो क्या कर सकते हैं? वो लॉ बना सकते हैं, खुद के लॉ बना सकते हैं. इनफैक्ट याद रखिएगा कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉस है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं. वो अप्लाई करते नहीं है. वो अप्लाई कब करेंगे? जब उस राज्य के राज्यपाल हैं बताएंगे कि दीज एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर विल अप्लाई विद सम मॉडिफिकेशन. तो इसका मतलब यही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने खुद के लॉस बना सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि वहां के जो फॉरेस्ट है, वहां का जो वाटर मैनेजमेंट है, वहां पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, वहां का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर अपने खुद के इनहेरिटेंस के लॉस बना सकते हैं, अपने खुद के मैरिज और डिवोर्स के लॉस बना सकते हैं फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन. इसके अलावा वो खुद के कोर्ट भी सेटअप कर सकते हैं. मतलब दे कैन सेटअप कोर्ट फॉर देयर ओन ट्रायल्स एंड सूट्स. इनफैक्ट अगेन द गवर्नर विल स्पेसिफिकली से कि जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो किस तरह लागू होगा इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में. इसके अलावा जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, दे कैन मैनेज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मतलब मनी लेंडिंग, जो ट्रेडिंग होगा एटसेट्रा, जो कोई बाहर से आके ट्रेड करेगा नहीं करेगा, किस तरह से ट्रेड करेगा, इन सारी चीजों पे भी वो लॉ बना सकते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन प्रोविजंस का एक फायदा है कि उनके पास काफी ज्यादा ऑटोनॉमी है. कुछ स्पेशल पावर्स है, वो अपनी गवर्नेंस खुद देख सकते हैं. तो चलिए अभी देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक कि क्या ये डिमांड पहले से चल रही है दूसरे जगहों पे भी. जैसे आप देख सकते हो कि 119वीं मीटिंग हुई थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, NCST की, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. उन्होंने 2019 में ये डिस्कशन किया हुआ था कि लद्दाख, जो नया यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, उसके जो ट्राइब्स हैं क्या उनको सिक्स शेड्यूल में डालना चाहिए नहीं. इनफैक्ट उन्होंने तभी ये रेकमेंड भी कर दिया था कि लद्दाख का जो एरिया है उसको सिक्स शेड्यूल के अंडर आना चाहिए. इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है वो सिर्फ इन चार राज्यों में है, लेकिन बहुत सी और जगहों पे भी हमको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मिलती हैं, बट दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. ऑलरेडी लद्दाख में बहुत से ऑटोनोमस काउंसिल्स बने हुए हैं, और उसको अभी जो NCST ने रेकमेंड किया है उससे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा, जो सिक्स शेड्यूल की लिस्ट में आ जाएंगे. तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट. मतलब हम दो पहलू देखेंगे कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो डिमांड है, मतलब सिक्स शेड्यूल में जाने की जो डिमांड है, वो अच्छी है या बुरी है. इसके दोनों पहलू देखेंगे. सबसे पहले तो देखेंगे कि नॉट रियली मतलब अगर डिमांड आ रही है कि हमें सिक्स शेड्यूल में जाना है, वो अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एक मल्टीपल पावर सेंटर बन जाता है. मतलब आपका एक तो राज्य सरकार है ही, जहां पे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, वो खुद के लॉ बना रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ADC अपना खुद का लॉ बनाएगा, तो मल्टीपल पावर सेंटर बनेंगे और ज्यादा कंफ्यूजन होगी. इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकता है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों एक ही चीज पे अगर लेजिस्लेट कर रहे हैं तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. दोनों जगह एक कॉमन एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव ऑन बोथ द साइड्स, अगेन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना तो एक्सपेक्टेड ही है. इसके अलावा जैसे मैंने बताया रिपल इफेक्ट, आज अरुणाचल प्रदेश मांग रहे हैं, कल आपको मणिपुर मांग लेगा, परसों नागालैंड मांग लेगा, परसों सिक्किम मांग ले, तो आप देख सकते हो कि इसका एक रिपल इफेक्ट हो जाएगा कि सारे लोग कहेंगे कि हमको भी सिक्स शेड्यूल में जाना है. और आगे चल के ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे फिफ्थ शेड्यूल के एरियाज हैं, जो 10 हमारे पास राज्य है जिनके पास ट्राइब्स हैं,
वो भी आगे कह देंगे हमको सिक्स शेड्यूल में जाना है, तो क्या करेंगे? और सबसे बड़ा नो तो इसलिए ये होगा कि क्या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हमारे पास 1950 से चल रहे हैं, क्या उन्होंने एक्चुअल में डेवलपमेंट लाया है? अगर हम इन एरियाज की बात करें जहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ये अभी भी काफी बैकवर्ड है, बहुत सी गवर्नमेंट कमिटीज है, उन्होंने बताया हुआ है कि ट्राइब्स की हालत काफी खराब है हमारे देश में। तो इसी के लिए आप ये भी देख सकते हो कि सरकार ने 2019 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया था, जहां पे वो फाइनेंस कमीशन के साथ कुछ बदलाव लाने वाले थे। उनका ये मानना था कि जो अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनकी जो फंडिंग मिलती है 275 के अंदर, मतलब स्पेशल ग्रांट के अंदर, वो स्पेसिफिकली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। उन्होंने इसीलिए ये बदलाव लाने के लिए बताया था कि फाइनेंस कमीशन को एक और भी जिम्मा दिया जाए, जो ऑलरेडी नेट प्रोसीड्स को डिवाइड करते हैं सेंट्रल और स्टेट्स में, जो पंचायत राज के लिए भी कुछ कुछ एलोकेट करते हैं। स्पेसिफिकली वो चाहते थे कि फाइनेंस कमीशन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी पैसा एलोकेट करे, तो अभी तो ये इन प्रोसेस है। इससे क्लियरली पता चलता है कि अगर पैसा जा भी रहा है तो पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सरकार भी चाहती है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स are not really useful is one of the ideas, but अगर आप देखो कि सिक्स शेड्यूल में जाना अच्छा है या नहीं, तो यस के लिए तो मुझे लगता है कि एक मॉरल आंसर ही मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप गांधीयन बातें करें, महात्मा गांधी की जो आइडिया थी ग्राम स्वराज वाली, वो क्या है? इट इज नथिंग बट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका मतलब क्या है? हर ग्राम अपने बारे में खुद डिसाइड करे। जो गांधी का सपना था कि हमारे देश में विलेज रिपब्लिक्स बने, जो ग्राम स्वराज आए, इसका मतलब क्या है? हर गांव में जो उनकी जो काउंसिल है, उनकी जो पंचायत है, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनका जो रीजनल काउंसिल है, वो खुद अपने लिए डिसाइड करे, वो खुद अपने लिए लॉ ले आए, वो खुद अपना डेवलपमेंट देखे। इसका मतलब है अगर सिक्स शेड्यूल में चले जाएंगे तो ट्रू डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन होगा। उनके पास अगर आप कह रहे हो कि डेवलप नहीं हो रहा है, तो आप उनको उनकी कैपेसिटी डेवलप कीजिए, आप उनको पैसा दीजिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो खुद की डेवलपमेंट करे और अल्टीमेटली ट्राइब्स देश में इंटीग्रेट हो जाए, ना कि एसिमिलेट हो जाए। एसिमिलेट मतलब वो हमारे रंग में मिल जा रहे, नहीं, वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, उसी के साथ वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर हम लोग यस बोलेंगे तो एक तो 275 के अंडर स्पेसिफिक फंड्स जाएंगे, और अगर जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो पास हो जाएगा, तो स्पेशल फंड्स फ्रॉम फाइनेंस कमीशन विल आल्सो गो, व्हिच विल ट्रूली टेल द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन, जो अल्टीमेट ग्राम स्वराज होगा। अगर इसी के ऊपर बात करें तो पेसा के बारे में हम लोग जानते हैं, जो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया से पंचायती राज एक्ट है, जिसको हम लोगों ने ट्राइबल एरियाज में लाया है, इसको हम लोगों ने लाया था 1996 में। अगर आप पेसा एक्ट का आखिरी लाइन पढ़े तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर द आइडियल थिंग। इनफैक्ट पेसा में ये लिखा गया है कि स्टेट शुड एंडेवर टू मेक दीज पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज एज सिमिलर एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन द सिक्स्थ शेड्यूल। मतलब पेसा का भी उद्देश्य यही है कि आप सिक्स शेड्यूल की तरह एडीसी बनाए। इसका मतलब क्या हुआ? हमको रियल ग्राम स्वराज तभी मिलेगा जब हर ग्राम अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेगा, अपने लिए खुद लॉ लाएगा, अपने फंड्स खुद डेवलप करेगा। तो खुद की डेवलपमेंट जब आप खुद करोगे, जो विलेज खुद करेगा, तभी हम लोग ट्रू ग्राम स्वराज ला पाएंगे हमारे देश। तो लेट अस सी इफ अरुणाचल प्रदेश विल गो इन द सिक्स शेड्यूल और नॉट। अभी तो उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के और भी राज्य इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आएगी, वी विल ब्रिंग यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। मैं आशा करता हूं दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।